आज हम एक ऐसे संत का पर्व मनाते हैं जो भारतवासी है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी सेवाएं जापान देश में दी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया संत गोंसालो गार्सिया का पर्व मनाती है। उनका जन्म 1556 में बसीन नामक गांव में हुआ। मुंबई से बाहर स्थित इस गांव को आज वसई के नाम से जाना जाता है। संत गोंसालो गार्सिया अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद 15 वर्ष की उम्र में फादर सेबेस्टियन गोंसाल्विस के साथ मिशन कार्य करने जापान देश चले गए। 8 वर्ष उन्होंने फादर सेबेस्टियन गोंसाल्विस के साथ मिशन कार्य किया। तत्पश्चात उन्होंने फ्रांसिस्कन संस्था में ब्रदर बनने का निश्चय किया, लेकिन उन्हें अनुमति न मिलने के कारण उन्होंने अपना मिशन कार्य छोड़कर मकाओ देश जाकर व्यापारी के रूप में व्यवसाय किया। सन 1586 में वे फ्रांसिस्कन संस्था से जुड़ गए और उन्होंने वहां प्रवेश किया और कठोर परिश्रम और तपस्या की। उनकी दीनता और नम्रता की परीक्षा ली गई और वे उसमें भी सफल रहे। वे जापानीज भाषा में प्रभावशील थे और इसी कारण उन्हें जापान देश में फिर से मिशन कार्य करने के लिए भेजा गया। सन 1592 में वे जापान देश पहुंचे और वहां के मिशन अधिकारी बनकर उन्होंने काफ़ी सारे काम किए। उन्होंने कई सारे अस्पताल, स्कूल और गिरजाघर बनाए। जापान देश में संत गोंसालो प्रभु का प्रचार कर रहे थे और इसी कारणवश उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें नागासाकी ले जाया गया, जहां पर उन्हें 5 फरवरी 1597 में नागासाकी शहर में सूली पर चढ़ाकर मार दिया गया। उनके साथ 25 और साथी भी थे। संत पापा पियूस नौवे ने 8 जून 1862 में संत गोंसालो गार्सिया को संत घोषित किया और वे भारत देश के पहले संत हैं। तो आइए, क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम संत गोंसालो गार्सिया का पर्व मना रहे हैं, हम उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहें और उनका अनुभव करते हुए अपने विश्वास की घोषणा निरंतर करते रहें।